आज मैं आप लोगों को वचन के बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदी व्याकरण में वचन क्या है? ऐसे तो शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो वचन से बोध होता है बोली का, यानी कोई कुछ बोलता है, किसी बात को कहता है तो वचन कहलाता है। लेकिन यहाँ हम लोग हिंदी व्याकरण में वचन के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में वचन क्या है? हिंदी व्याकरण में वचन से संख्या का बोध होता है। वचन से संख्या का बोध होता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, इसकी परिभाषा हम कैसे बोलेंगे। वचन क्या है? जिन शब्दों से एक या अनेक संख्याओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चा, यहाँ बच्चा शब्द से एक का बोध हो रहा है और बच्चे शब्द से अनेक का बोध हो रहा है, यानी संख्या का बोध हो रहा है। तो ये है वचन, जिससे संख्या का बोध हो ऐसे शब्द को वचन कहते हैं। जैसे वचन को हम देख रहे हैं यहाँ पर घोड़ा, घोड़ा शब्द है, इसका एक से बोध हो रहा है, इस शब्द से एक घोड़े का बोध हो रहा है और घोड़े घोड़े शब्द से अनेक घोड़ों का बोध हो रहा है। तो ये है वचन। हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन क्या है? जिन शब्दों से किसी एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिन शब्दों से किसी एक वस्तु या प्राणी का, व्यक्ति का, किसी भी चीज का, एक वस्तु का या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं बेटा, रात, दवात, पुस्तक, ताला आदि। फिर बहुवचन क्या है? जिस तरह से हम यहाँ देखें जिन शब्दों से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। तो ठीक उसी के समान क्या होगा? जिन शब्दों से अधिक, एक वस्तु या प्राणी से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे कहते हैं बहुवचन। जैसे आप देख रहे हैं बेटा, बेटा का हम देखे थे यहाँ पर बेटा का क्या होता है, बेटा से एक वचन का बोध होता है और यहाँ पर बेटे से एक नहीं लेकिन एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। रात, एक रात नहीं लेकिन रातें, यहाँ पर अनेक रातों का बोध हो रहा है। दवाते, एक दवात नहीं लेकिन अनेक दवातों का बोध हो रहा है। पुस्तकें, एक पुस्तक नहीं लेकिन अनेक पुस्तकों का बोध हो रहा है। ताले, एक ताला नहीं अनेक तालों का बोध हो रहा है। अब आइए हम लोग देखेंगे वचन को कैसे बदला जाता है, यानी कि वचन को बदलने के नियम क्या है। बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकारण स्त्रीलिंग शब्द। अगर अ से अंत होने वाला, यानी कि अ से अंत होने वाला स्त्रीलिंग शब्द हो तो अ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द में क्या किया जाता है? अ के स्थान पर ए लगाया जाता है और मात्रा में इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ए अनुस्वर। तो अकारान या अ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अ के स्थान पर ए लगा करके क्या किया जाता है? बहुवचन बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं रात, रात है, यहाँ पर आ छुपा हुआ है, आ ये वाला आ छुपा हुआ है और इसके स्थान पर क्या किया गया? ए लगा करके अनुस्वर लगा दिया जाता है। तो रात है, यहाँ पर क्या हो गया? राते। आ से अंत होने वाले शब्द में ए लगाकर अनुस्वर लगा दिया जाता है और वचन बदल दिया। इसी तरह से हम देखें झील, झील में भी हम देख रहे हैं पर आ है और अंत में ए लगा करके अनुस्वर लगा दिया गया, तो झील से हो गया झीले। यहाँ पर बात है, बात में हम देख रहे हैं यहाँ भी ए लगा करके अनुस्वर लगा दिया गया। तो इस तरह से
छोटा आ यानी कि ह्रस्व आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में ए और अनुस्वर लगा करके क्या किया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। दूसरा है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द में यानी कि अ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द यदि हों तो आ के स्थान पर क्या किया जाता है, ए लगा दिया जाता है। ए की मात्रा ये है, ये लगाया जाता है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगा करके क्या किया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पर घोड़ा, यहाँ पर अ से अंत होने वाला शब्द है घोड़ा, और घोड़ा से हम केवल क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, ए की मात्रा लगा देते हैं और सिर्फ ये आ को हटा करके ए लगा देते हैं, तो ये बन जाता है बहुवचन। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं लड़का, यहाँ भी हम इस मात्रा को हटा करके क्या लगा दिए, ए लगा दिए, तो हो गया बहुवचन लड़के। गधा, एक गधा है यहाँ पर, यहाँ भी इसको हटा करके हम इसके ऊपर में ए लगा दिए, हो गया गधे। इस तरह से पुल्लिंग शब्दों में जो कि अ से अंत होने वाला शब्द हो उसमें ए की मात्रा लगा करके क्या किया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। तीसरा नियम है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। यदि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो तो अंत में अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में शब्द के अंत में ए और चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। अगर अ से अंत होने वाला स्त्रीलिंग शब्द हो तो उस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, अ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए और चंद्रबिंदु लगाकर क्या किया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण शाखा, शाखा स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ पर अ है, अंत हो रहा है, कुछ नहीं किया गया इसमें, सिर्फ हम क्या जोड़िए, ए और चंद्रबिंदु, ये ए और चंद्रबिंदु तो हो गया शाखा का शाखाएं। यहाँ पर लता है, इसमें भी हम कुछ नहीं किए, केवल इसको जोड़ दिए, ए और चंद्रबिंदु इसको जोड़ दिए और ये हो गया बहुवचन, लता का लताएं, कक्षा का कक्षाएं। सिर्फ हम लोग इस मात्रा को ए और चंद्रबिंदु को अंत में जोड़ देते हैं अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, तो वह बहुवचन बन जाता है। अगला है याकारांत स्त्रीलिंग शब्द। यदि याकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो यानी कि स्त्रीलिंग शब्द में या से अंत होने वाले शब्द हो तो कुछ नहीं, सिर्फ या के ऊपर में चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है, तो वह बहुवचन बन जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं उदाहरण के लिए चिड़िया, या से अंत होने वाला स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ या के ऊपर में चंद्रबिंदु लगा दिया, तो ये हो गया बहुवचन। उसी तरह से गुड़िया, यहाँ भी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ या के ऊपर में क्या किया, चंद्रबिंदु लगा दिया, तो ये बन गया बहुवचन, गुड़िया का गुड़िया। खटिया, यहाँ भी हमने देखा कि खटिया एक है, लेकिन जब बहुवचन बना रहे हैं तो कुछ नहीं, सिर्फ हम इसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिए, तो ये बन गया बहुवचन खटिया। अगला नियम है वो है ईकारांत, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। यदि ई यानी कि हर्षई और दीर्घई, हर्षई और दीर्घई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द हो तो क्या किया जाता है, यदि हर्षई से अंत होने वाला स्त्रीलिंग शब्द हो तो हर्षई जैसा के तैसा रहता है, लेकिन या में चंद्रबिंदु जोड़ दिया जाता है। यदि स्त्रीलिंग शब्द है ई कारांत, हर्षई से अंत होने वाला स्त्रीलिंग शब्द है, और यदि स्त्रीलिंग शब्द है ये और हर्षई से अंत हो रहा है तो कुछ नहीं किया जाता है, सिर्फ इसके इसके बाद में या में चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तिथि, हर्षई से अंत होने वाला शब्द है,
और हर सही से अंत हो रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने, क्या किया इसमें, या में चंद्रबिंदु लगा दिया, तो क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया, तिथि का तिथियां। लेकिन अगर दीर्घई से अंत होने वाला स्त्रीलिंग शब्द हो तो उसमें क्या किया जाता है, दीर्घई को हर्षई में बदल दिया जाता है। इस दीर्घई को हर्षई में बदल करके या में चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है, यानी कि कुंया। दीर्घई जो है हर्षई बदल हो जाता है और या में चंद्रबिंदु लगता है, और इस प्रकार से लगा करके क्या बन जाता है, बहुवचन शब्द बनता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर टोपी दीर्घई से अंत होने वाला शब्द है और इस दीर्घई को हमने क्या किया, हर्षई में बदल दिया और या में चंद्रबिंदु लगा दिया, तो बन गया टोपियां, बहुवचन हो गया टोपियां। तो इस तरह से दीर्घई को हर्षई में बदल करके और या में चंद्रबिंदु लगा करके हम क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं ई कारण, ई कारण, ऊ कारण और ऊ कारण शब्दों में। अगर किसी शब्द के अंत में हर्षई हो, दीर्घई हो, हर्षव हो, दीर्घ हो, हर्षी दीर्घी हर्षो दीर्घ आदि शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, बहुवचन बनाते समय शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इनकी पहचान किससे होती है, इनकी पहचान क्रिया से होती है। ई यानी कि हर्षई, दीर्घई, हर्षव और दीर्घव से अंत होने वाले शब्द दोनों वचनों में, एक वचन और बहुवचन दोनों वचनों में एक समान होते हैं, लेकिन उनकी पहचान क्रिया से की जाती है। कैसे, हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। जैसे साथी आता है, साथी आता है, साथी आते हैं, यहाँ पर ये देखिए शब्द है साथी, यहाँ भी ये शब्द है साथी, एक वचन में भी साथी का प्रयोग हुआ, बहुवचन में भी साथी का प्रयोग हुआ, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि ये एक वचन है या बहुवचन, तो यहाँ पर क्रिया है, क्रिया आता है, आता है शब्द से हमें पता चल रहा है कि इसमें साथी सिर्फ एक ही है, और यहाँ पर देख रहे हैं साथी आते हैं, इसका मतलब है यहाँ शब्द भी वही है लेकिन क्रिया शब्द आते हैं है, तो ये आते हैं शब्द से क्रिया से पता चल रहा है कि ये बहुवचन में प्रयोग हुआ है। उसी तरह से साधु खाता है, उकारा, साधु खाता है, एक साधु के बारे में पता चल रहा है क्रिया से, साधु खाते हैं, यहाँ क्रिया से पता चल रहा है कि यहाँ एक साधु नहीं अनेक साधु हैं। फिर डाकू जाता है, एक डाकू के बारे में है, और डाकू जाते हैं, इस जाते हैं शब्द से पता चल रहा है कि यहाँ पर क्रिया के अनुसार यह डाकू क्या है, बहुवचन। अब आइए हम लोग देखेंगे अगला नियम को, उकारान, उकारान स्त्रीलिंग शब्द के साथ जब हर्षव या दीर्घव से अंत होने वाला स्त्रीलिंग शब्द हो तो उनके साथ क्या होता है, अगर हर्षव है तो वो जैसा के तैसा हर्षव ही रहेगा, और अंत में क्या लगा दिया जाता है, ए लगा दिया जाता है, ए में चंद्रबिंदु लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बहु, यहाँ पर दीर्घऊ, बहु दीर्घऊ है, लेकिन जब दीर्घऊ होता है तो दीर्घऊ को हम लोग हर्षव में बदल देते हैं और उसके बाद ही ए में चंद्रबिंदु लगाते हैं, तो दीर्घऊ को हर्षव में बदल करके ए में चंद्रबिंदु लगा करके बहुवचन बनाया जाता है, बहु का बहुए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं वस्तु एक ही, एक ही वस्तु है और ये हर्षव, हर्षव है, और इस हर्षव को क्योंकि पहले से यह हर्षव है तो हर्षव ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अंत में क्या लगेगा, ए लगा देंगे, ए में चंद्रबिंदु लगा देंगे, तो ये बहुवचन का रूप बन जाएगा। आगे हम देखेंगे संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में,
या शब्दों में, संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों में क्या होता है? कभी कभी गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद आदि शब्द लगा करके भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे श्रोता, एक श्रोता का बोध हो रहा है लेकिन गण लगा के श्रोता गण, तो यहाँ पर गण शब्द से बहुवचन का बोध हो रहा है। आप सर्वनाम शब्द है लेकिन यहाँ पर आप, यह भी संज्ञा शब्द है और ये भी क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं लोग लगा के, तो क्या हो गया, बहुवचन का बोध हो गया। तो यहाँ पर आप है, आपके साथ लोग लगाने से क्या होता है, वचन बदल जाता है, बहुवचन हो जाता है। अधिकारी के साथ यदि हम वर्ग लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, अधिकारी वर्ग, एक अधिकारी यहाँ पर, अधिकारी वर्ग यानी कि बहुत सारे अधिकारी। भक्त, भक्त के साथ यदि जन लगा देते हैं तो एक भक्त नहीं लेकिन अनेक भक्त हो जाते हैं, भक्त का भक्त जन। तो इन गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद आदि शब्दों से क्या किया जाता है, बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण आप देख सकते हैं वृद्ध, वृद्ध के साथ हम लोग क्या करेंगे, वृद्ध जन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, वृद्ध जन बहुवचन हो जाएगा। शिक्षक वृंद, शिक्षक लगाते हैं वृंद शब्द, जैसे शिक्षक एक है लेकिन यदि हम वृंद लगा देते हैं तो वह क्या हो जाता है, बहुत सारे शिक्षक हो जाते हैं, अनेक शिक्षक हो जाते हैं, तो शिक्षक वृंद से अनेक यानी बहुवचन का बोध हो रहा है। आगे हम देखेंगे गल शब्द किसके साथ प्रयोग में लाया जाता है, जैसे मनुष्यों, देवताओं और ब्रह्मों के साथ, मनुष्यों, देवताओं और ब्रह्मों के साथ ये गण शब्द लगाए जाते हैं। जन शब्द मनुष्यवाचक शब्दों के साथ लगाए जाते हैं, केवल मनुष्यवाचक शब्दों के साथ जन शब्द लगाया जाता है। वर्ग शब्द प्राणीवाचक, किसी भी प्राणी के साथ, ना किसी भी प्राणी के साथ, अगर प्राणीवाचक शब्द है तो किसी भी प्राणीवाचक शब्द के साथ वर्ग शब्द लगाया जाता है। इसी तरह से और भी कुछ शब्द हैं जैसे पुंज, समुदाय, समूह, निकाय आदि शब्द लगा करके भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्रकाश पुंज ने, प्रकाश में प्रकाश का बहुत सारा समूह, प्रकाश पुंज, गुण समूह यानी कि गुणों का समूह, इस तरह से भी इन शब्दों का पुंज, समुदाय, समूह और निकाय आदि शब्दों को लगा करके भी बहुवचन बनाया जाता है। तो इस तरह से अगर हम इन नियमों को जान लें तो हमें बहुवचन बनाने में या पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।